हेलो एवरीवन, आपको पता है सीता जी का विवाह कैसे हुआ था? रामचंद्र जी ने एक धनुष तोड़ा था उनसे शादी करने के लिए। धनुष तोड़ा तो परशुराम जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। परशुराम जी उन पर गुस्सा करते हैं कि तुमने शिव जी के धनुष को क्यों तोड़ दिया। रामचंद्र जी थे बहुत सीधे सादे से, भोले से थे, विनम्र थे, तो उन्होंने बोला कि हे भगवान, हे मुनि, आपका कोई ऐसा दास ही होगा जिसने ये धनुष तोड़ा है। लेकिन नहीं, मुनि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वे कहता है कि सेवक तो सेवा का काम करता है, ये तुमने धनुष तोड़ के अच्छा नहीं किया। लक्ष्मण जी कहते हैं कि उन्होंने तो बहुत सारी धनुहियाँ तोड़ रखी हैं ऐसी, ये कोई धनुष नहीं है, तो धनुष ही है, छोटी सी है। और जब उन्होंने ऐसे धनुष तोड़े तो गुस्सा नहीं किया किसी ने। मुनि को और ज़्यादा क्रोध आ जाता है और वह कहता है कि तुम मेरे सहसबाहु के समान दुश्मन हो। सहसबाहु उनका एक बहुत बड़ा दुश्मन था जिसे उन्होंने युद्ध में मार करके ख़त्म कर दिया था, क्योंकि सहसबाहु ने उनके पिताजी से दुश्मनी की थी। सभा में बहुत सारे राजा बैठे हुए थे जो धनुष को नहीं तोड़ पाए थे, और रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी धनुष के पास खड़े हुए। मैंने आपको दिखाया, अब देखिए, सहसबाहु के समान तुम्हें भी मैं मार दूंगा। परशुराम जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें भी मार दूंगा। वो कहते हैं कि तुम बालक हो। रामचंद्र जी कहते हैं, मुनि हमें क्षमा करें। परशुराम जी बहुत गुस्से वाले व्यक्ति थे और वो क्षत्रियों के दुश्मन थे। कहते हैं, नहीं, मैं नहीं मानूंगा। उनके हाथ में फरसा होता है जो बहुत ही भयंकर होता है, डरावना होता है। लेकिन लक्ष्मण जी को हंसी आती है और मुनि का मजाक उड़ाते हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं ब्राह्मण देख करके आपका गुस्सा सहन कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण पे, भक्त पर और गाय पर कभी भी अपना वीरता नहीं दिखाते हैं, क्योंकि गाय, ब्राह्मण और भक्त पर अगर हम अपनी वीरता दिखाएंगे तो हमारा कुल का नाम खराब हो जाएगा, हमारा अपयश होगा। मुनि का एक एक शब्द ही करोड़ों वज्रों के समान था, यानी कि बहुत सारे गदा के प्रहार हो रहे हों ऐसा लग रहा था। उन्हें अस्त्र शस्त्र की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वो विश्वामित्र से कहते हैं कि लक्ष्मण तो बहुत ही कुबुद्धि और दुष्ट व्यक्ति है, यह तो सूर्यवंश पर कलंक है और उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और अन्यथा यह कुल्हाड़े से उसे काट देगा। विश्वामित्र तो नहीं बोले, लेकिन फिर से लक्ष्मण बोला कि परशुराम को अपने बारे में और जो कहना है कह ले, वह तो पहले ही अपना बहुत कुछ बता चुके हैं, लेकिन उन्हें गाली नहीं देनी चाहिए। जो वीर होते हैं वो तो मैदान में अपना रौद्र रूप दिखाते हैं, व्यर्थ की डींगे नहीं हाँकते कभी भी, फालतू बातें नहीं करते, बिना बात की बातें नहीं करते। लेकिन विश्वामित्र जी तब उन्हें कहते हैं कि इन्हें क्षमा कर दो, बालकों को क्षमा कर दो। अच्छे जो लोग होते हैं वो कभी भी बालकों को ये बातों का बुरा नहीं माना करते। लेकिन परशुराम जी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और कहते हैं, एहसान जताते हैं कि मैं तो तुम्हारे कारण ही इसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, अन्यथा तो अब तक मैं इसे ख़त्म कर देता, फरसे से इसे मैं काट डालता।
लेकिन लक्ष्मण जी फिर से मजाक बनाते हैं कि हमें तुमने तो गुरु का ऋण जो है तुम्हारे ऊपर है ही कहाँ। परशुराम जी कहते हैं अगर मैं लक्ष्मण को मार दूंगा तो मेरे गुरु का ऋण उतर जाएगा, लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हारे पर गुरु का ऋण है ही कहाँ, जो कुछ तुम्हारे मन में है तो तुम उसे कर लो। ये सुन करके फिर से परशुराम जी अपना कुल्हाड़ा उठा लेते हैं। उनका गुस्सा देख करके पूरी सभा में हाहाकार मच जाता है और लक्ष्मण जी की वाणी जो थी वो थोड़ा कठोर बोलते थे, तो वो कहते हैं कि हम तो खेल खेल में इसे तोड़ चुके हैं, अब आपको जो करना है तो कर लो। लेकिन श्री राम जी थे वो शांति से बातें करते हैं, बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो शांति से बातें करते हैं। और लेकिन परशुराम जी फिर भी नहीं मान रहे हैं और मुनि के वचन सुनकर के लक्ष्मण जी को मुस्कान आ रही है, वो मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं कि फिर उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा दिला देते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरा फर्शा जो है बहुत ही बड़ा भयानक है, यह तो गर्भ के बच्चों का भी नाश कर देता है, तुम अपने माता पिता की सोच लो कि उनका क्या होगा। वो कहते हैं कि तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना गुस्से वाला, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं सहस्रबाहू को काट पीट चुका हूँ अभी तक इस फरसे से, और मैंने अपनी भुजाओं के दम पर अपने हाथों में जो मेरा बल है मेरी ताकत है उससे मैंने इस पृथ्वी को क्षत्रिय राजाओं से खाली कर दिया था, मतलब सारे क्षत्रिय मैंने इसे मार दिए थे, मैंने परशुराम सहस्रबाहू की भुजाओं को काट दिया था, मेरे फरसे में इतनी ताकत है कि मैं गर्भ के बालक भी इससे डर जाते हैं। लक्ष्मण ने फिर हंस करके कहा कि आप तो अपने आप को बड़ा योद्धा समझते हो जो मुझ बालक को बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखा देते हो, ये तो ऐसा ही लग रहा है कि फूंक मार के तुम पहाड़ उड़ाना चाहते हो, यहाँ कोई काशी फल या कुम्हाड़े का छोटा सा फल नहीं है जो आपकी उंगली को देखते ही मर जाए। कुम्हाड़े का एक छोटा सा फूल होता है जो उंगली को देखते ही मुरझा जाता है। वो कहता है कि भृगुवंशी समझ करके मैंने आपको छोड़ दिया है, मैं आपका गुस्सा देख लेता हूँ अन्यथा मैं आप पर अपना गुस्सा दिखाता। फिर वो कहता है कि धनुष बाण और कुल्हाड़ा तो आप यूं ही देख रखते हो, इसका आपके लिए कोई यूज नहीं है, आपके इस धनुष बाण और कुल्हाड़े को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा क्या, यानी मैंने कुछ बुरा कह दिया क्या। फिर वो कहते हैं आप मुझे क्षमा कीजिए। और ये सब बातें सुनकर के परशुराम जी को और भी पहले से भी भयंकर क्रोध आ जाता है और वो जो है कहते हैं कि विश्वामित्र जी को फिर वो कहते हैं कि ये तो बड़ा खराब बालक है, इसकी तो बहुत ही कुटिल बुद्धि है और यह तो सूर्यवंश पर कलंक है। तो फिर वो कहते हैं कि आप इसे बालक समझ करके माफ़ कर दीजिए, गाली देते हुए आप शोभा नहीं देते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी जो हैं फिर से बोलते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी में गुस्सा ज़्यादा था, तो कहते हैं कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो मानो काल को हाँक लगा करके बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। और लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुन करके कहते हैं कि परशुराम जी फिर कहते हैं कि जो कड़वा बोलता है वह तो मारे जाने के लायक ही है, ये तो बच्चा बहुत कड़वा बोल रहा है। लेकिन बीच में आकर के विश्वामित्र जी फिर से बचा लेते हैं कि इसे माफ़ कर दीजिए। फिर वो कहते हैं कि मैं तो इसे तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, तुम्हारे ही एहसान पे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं इसे अपने फरसे से काट कर थोड़ी सी देर में ही अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। पर वो क्या कहते हैं फिर से, विश्वामित्र जी मन ही मन हंस करके कहते हैं मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, यानी कि ये राम और लक्ष्मण को साधारण बालक समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है,
ये दोनों बालक गन्ने की खांड नहीं है जो मुंह में डालते ही गल जाएंगी। मुनि अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं और परशुराम लक्ष्मण की मौत को मानो हाँक हाँक कर बुला रहे हैं। परशुराम ने अब तक लक्ष्मण को छोटा बालक सोच करके नहीं मारा था, एहसान जता रहे हैं विश्वामित्र पर। फिर से लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके शील को कौन नहीं जानता और वह तो संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो भली भांति ऋण मुक्त हो ही चुके हो, गुरु के ऋण का आपको इतना ही चिंता है तो वह ऋण हमारे ही माथे निकाला था। बहुत दिन बीत गए, अब तो इसमें ब्याज भी और जुड़ गया, तो मैं तुरंत थैली खोलकर उधार चुका दूं। लक्ष्मण के कड़वे वचन सुन करके अपना फरसा संभाल लेते हैं और सारी सभा में चित्कार पुकार हाय हाय सब उठने लग जाती है। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, मैं तो आपको ब्राह्मण समझ के माफ़ कर रहा हूँ। आपको कभी बलवान वीर मिले ही नहीं होंगे, आपको कभी बलवान मिले ही नहीं। हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही बड़े हैं। और तब फिर सब कहने लगे कि यह अनुचित है, अनुचित है। तब श्री राम जी ने संकेत से लक्ष्मण जी को रोक दिया और लक्ष्मण के उत्तर जो आग के समान थे, परशुराम के क्रोध रूपी आग को बढ़ते देख करके श्री राम जी ने अपने शीतल वचन कहे, यानी कि मीठी बातें कही और परशुराम जी को लक्ष्मण जी को मारने से रोक लिया। और सीता स्वयंवर इस प्रकार से धनुष के टूटने पर और परशुराम जी से दोनों का संवाद होने पर, क्रोध होने पर, लड़ाई झगड़ा होने पर समाप्त हो जाता है और रामचंद्र जी का विवाह सीता जी के साथ होता है।